सच्चा दोस्त वो है जो कभी आपके रास्ते में नहीं आता, वो अपना कदम तभी बढ़ाता है जब उसको आपका रास्ता गलत नजर आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और हाजिर हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। आज की कहानी दोस्तों के लिए, सच्चे दोस्तों के लिए। दोस्ती ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी जिंदगी में खुद चुनते हैं, जिसको किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता, जिसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इस रिश्ते में जो प्यार और विश्वास होता है जो इस रिश्ते को बांधे रखता है। कभी अगर आप अपनी जिंदगी के पन्ने पलट कर देखें तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, लेकिन वो दुख के नहीं, खुशी के आंसू होते हैं। बचपन में घर से बिना बताए दोस्तों के साथ खेलना, स्कूल में दोस्तों के साथ मस्ती करना, ये वो दिन है दोस्तों जो शायद अब हमारी जिंदगी में लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों एक कहानी मुझे परमजीत सिंह जी ने पंजाब से भेजी है, जिनका स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड था गौरव कपूर। वो लिखते हैं कि हमारे स्कूल में एक हिंदी की टीचर थी जो होमवर्क ना करने पर, क्लास में बुक ना लाने पर बहुत पिटाई किया करती थी। 9 जुलाई को उनका जन्मदिन था, वो बहुत खुश थे। क्लास में एक ही उनका सबसे बेस्ट फ्रेंड था गौरव कपूर। स्कूल के बाद उन्होंने पार्टी करने का प्लान बनाया। जब क्लास में हिंदी की टीचर पढ़ाने के लिए आई तो गौरव अपनी बुक लेकर नहीं आया था। उस चक्कर में उसकी खूब पिटाई हुई, टीचर ने उसे क्लास से बाहर भी निकाल दिया। टीचर के जाने के बाद जब वो क्लास में आया तो मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया, अरे यार किताब लेकर आया कर, भूल क्यों जाता है। तो उसने जवाब दिया, यार आज हिंदी पढ़ने का मन नहीं था तो इसलिए मैं बुक लेकर नहीं आया। फिर हम लोग स्कूल के बाद पार्टी करने गए, हमने बहुत कुछ खाया पिया, खूब मस्ती की। मैंने उससे हंसते हुए कहा, बेटा आज का तेरा दिन बहुत बुरा है और तेरी क्लास में भी आज खूब पिटाई हुई, चल आज का मेरा गिफ्ट दे, मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो उसने बोला, तेरे बैग में है, ले ले। मैंने जल्दी से बैग खोला लेकिन बैग में कुछ मिला नहीं। फिर मेरी नजर अचानक से उस हिंदी की बुक पर पड़ी जिस पर लिखा था गौरव कपूर। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे गले से लगा लिया। लोग कहते हैं जमीन पे किसी को खुदा नहीं मिलता, शायद उन लोगों को दोस्त कोई तुमसा नहीं मिलता। दोस्तों आप लोग इस कहानी से क्या फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी कहानियां मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने के लिए आप मुझे DM कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और बायो में है। कहानी के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मैं हरीश छाबड़ा जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।